हेलो स्टूडेंट्स, अब जो है हम बात करने वाले हैं मोटिवेशन क्या होता है, अभिप्रेरण क्या होता है। तो मोटिवेशन जो है अभिप्रेरण, व्यक्तियों को अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना। तो अभिप्रेरण जो है उसकी परिभाषा जब लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को कार्य करवाने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, मोटिवेशन जो है अभिप्रेरण एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल जो है एक्सरसाइज है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति में कार्य को करने की भावना जो है उत्पन्न की जाती है, कार्य में बने रहने की भावना उत्पन्न की जाती है, और यह मोटिवेशन की प्रक्रिया के कारण व्यक्ति कार्य में लगा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो खाना नहीं खा रहा है, तो यहाँ खाना नहीं खा रहा है, अब जो है उसकी माँ को उसे खाना खिलाना है, तो वो मोटिवेशन देने के लिए, अभिप्रेरित करने के लिए उससे क्या कहेगी कि बेटा खाना पूरा खा लो, मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगी। तो यहाँ पर माँ ने क्या किया, बच्चे को अभिप्रेरित किया, उन्होंने एक लालच दिया कि तुम ये खाना पूरा खा लो, फिर मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, और उस चॉकलेट के लालच में बच्चे ने पूरा खाना खा लिया। तो मोटिवेशन क्या हो गई, बच्चे के मन पे क्या हुआ कि मानसिक इफेक्ट पड़ा कि मैं ये खाना पूरा खा लूंगा तो मुझे चॉकलेट मिलेगी। तो मोटिवेशन जो है एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को इस प्रकार से अभिप्रेरित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है कि वह व्यक्ति उस कार्य को अच्छे से कर ले। तो संस्था में अभिप्रेरण का बहुत ज्यादा उपयोग है, क्योंकि अभिप्रेरणा के बाद मोटिवेशन के कारण जो है कार्य कम समय में बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा होता है। जैसे कोई एक कर्मचारी है जो संस्था में कार्य कर रहा है, यदि उसे संस्था का बॉस ये कह दे कि कल जो है तुम अच्छे से कार्य करोगे तो मैं तुम्हें 1000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, तो क्या होगा, जब वह दूसरे दिन संस्था में आएगा, ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, तो उसे पता है कि उस दिन भर कार्य करने के बाद उसे जो है 1000 रुपए मिलेंगे, तो वह उस कार्य को क्या करेगा, बहुत खुशी से करेगा और बहुत अच्छे से करेगा और काम को जल्दी से खत्म कर देगा। तो अभिप्रेरण का यह एक पॉजिटिव पहलू होता है। तो मोटिवेशन क्या होता है, यह एक प्रक्रिया है जो किसी भी व्यक्ति को कार्य को अच्छे तरीके से करवाने में मदद करती है या प्रेरित करती है। अब इसकी विशेषताएं हम देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। तो मोटिवेशन अभिप्रेरण एक सतत प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है जैसे कि संस्था में एक दिन बॉस ने बोल दिया कि तुमको 1000 रुपए देंगे, दूसरे दिन कुछ नहीं कहा, तीसरे दिन कुछ नहीं कहा, तो जो कर्मचारी है उसकी कार्य करने की जो स्पीड है, तरीका है, वो क्या होगा, बदल जाएगा। तो अभिप्रेरण जो है वह कंटिन्यूस प्रोसेस है, अनवरत चलती रहती है। कभी व्यक्ति को पैसों से जो है मोटिवेट किया जाता है, कभी जैसे हमने बच्चे वाला एग्जांपल लिया, तो कभी जो है माँ चॉकलेट का देती है लालच, कभी उसे डराती है कि छिपकली आ जाएगी या जो है मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तो ये दोनों तरीके से जो है मोटिवेशन, तो अभिप्रेरण जो है वह एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूशन जो है संस्था में कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने की आवश्यकता होती है और करना चाहिए। फिर व्यापक प्रबंधकीय कार्य, अभिप्रेरण जो है वह एक मैनेजमेंट वर्क है, हर लेवल पे मोटिवेशन जो है बहुत जरूरी होता है। तो यह जो है मैनेजमेंट का एक कार्य है जिस पर हर मैनेजर को बराबरी से ध्यान से काम करना चाहिए। मानसिक क्रिया है अभिप्रेरण, कहीं दिखता नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है, जो कार्य 10 दिन में हो रहा है यदि अभिप्रेरित कर दिया तो वह 2 दिन में काम कंप्लीट हो सकता है। तो यह एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है, विनियोग है। अभिप्रेरण करने के लिए किया गया खर्च जो है वह विनियोग माना जाता है। जैसे संस्था के बॉस द्वारा जो 1000 रुपए दिए जाएंगे उससे क्या होगा, वह व्यक्ति अभिप्रेरित रहेगा और काम को बहुत अच्छे से करेगा, तो वह 1000 रुपए का खर्च जो है संस्था के लिए क्या है, विनियोग है। ऐसे ही संस्था के कर्मचारियों में आपने घोषणा कर दी कि 1 महीने
तक जो है, जो भी व्यक्ति ईमानदारी से काम करेगा, अच्छे से काम करेगा, उसकी परफॉर्मेंस हम चेक करेंगे और माह के अंत में जो है उसे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया जाएगा। ये घोषणा संस्था के प्रमुख ने करवा दी। क्या इफेक्ट होगा? महीने भर सभी व्यक्ति इस एक उद्देश्य से कि हमको महीने भर बाद मेरा भी नाम आ सकता है, मुझे भी इनाम मिल सकता है, सभी व्यक्ति क्या करेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो वो जो उपहार दिया जाएगा वह जो है संस्था के लिए क्या है, विनियोग है, इन्वेस्टमेंट है, खर्च नहीं है, क्योंकि महीने भर बाकी सभी सदस्यों ने जो है बहुत अच्छे से और काम को बहुत क्वालिटी पूर्ण कंप्लीट किया होता है। कार्य कराने की शक्ति, अभिप्रेरण जो है वह कार्य कराने की शक्ति है। कोई व्यक्ति बच्चा जो है पढ़ नहीं रहा है, उसे आप जो है मोटिवेट कर दीजिए, उसे जो है यह चीज बोलिए कि तुम यदि पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे तो तुम एक मूवी देख सकते हो, तो क्या होगा, उससे हम पढ़ाई करवाना चाह रहे हैं तो हमने उसको मोटिवेट किया, अभिप्रेरित किया, वो बच्चा पढ़ाई पूरी कर लेगा। तो कार्य को कराने की शक्ति है। फिर है व्यक्तित्व अभिप्रेरित होता है। मोटिवेशन से पर्सनालिटी जो है, व्यक्तित्व जो है वह मोटिवेट हो जाता है और व्यक्ति काम को बहुत अच्छे तरीके से करता है। फिर इच्छा शक्ति जगाती है। अभिप्रेरण के बाद कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। कैसे, जैसे हमने बच्चे वाला एग्जांपल लिया कि बच्चे को हम चाह रहे हैं कि बच्चा 2 घंटे पढ़ ले, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है, तो मोटिवेशन देने के बाद क्या होगा कि उसकी इच्छा शक्ति जो है कि मूवी देखने को मिलेगी, उसकी विलिंगनेस जो है पढ़ने के प्रति जाग जाएगी और वो फटाफट 2 घंटे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेगा। तो इच्छा शक्ति को जगाती है। कार्य में सहयोग का आधार, हम चाह रहे हैं कि संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में सभी एम्प्लॉई एक दूसरे का सहयोग करें, तो उस कार्य को करवाने के लिए मोटिवेशन जो है बहुत अच्छा टूल है। ये हो गई इसकी विशेषताएं। अब हम बात करेंगे प्रभावित करने वाले तत्व या घटक, एलिमेंट्स, फैक्टर्स या प्रकार। तो अभिप्रेरण जो है वह 2 तरीकों से दिया जा सकता है, मौद्रिक और गैर वित्तीय या अमौद्रिक, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। तो कैसे, वित्तीय मतलब जब किसी भी कर्मचारी को, किसी भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए पैसे के द्वारा किए जाए, मनी के द्वारा जो है उसे अभिप्रेरित किया जाए तो वह कहलाता है वित्तीय या मौद्रिक अभिप्रेरण। और फिर होता है गैर वित्तीय या मौद्रिक, नॉन मॉनेटरी। इसमें जो है व्यक्ति को सीधे सीधे पैसों का या मनी का जो है लाभ नहीं दिया जाता है, बल्कि दूसरा मोटिवेशन जो है जो उसके जीवन से संबंधित होता है, इस प्रकार का जो है मोटिवेशन दिया जाता है, तो वो होता है नॉन मॉनेटरी अमौद्रिक अभिप्रेरण। मौद्रिक में क्या आएगा, उसको पर्याप्त वेतन, मतलब वो जितनी एक्सपेक्टेशन कर रहा है, जितना सोच रहा है उतनी सैलरी दी जाए, उसको एक्स्ट्रा सैलरी दे दी जाए, अतिरिक्त वेतन का लाभ दिया जाए, उससे कहा जाए कि आप यदि अच्छे से काम करोगे महीने भर तो हम आपको एक्स्ट्रा सैलरी देंगे, तो वो मोटिवेट हो जाएगा। बोनस का डिक्लेरेशन कर दीजिए कि बोनस देंगे हम आपको, तो वो अभिप्रेरित हो जाएगा। अलाउंसेस, भत्ते दे दीजिए, जैसे व्यक्ति को टूर पे भेजना है, वो मना कर रहा है कि मुझे टूर पे नहीं जाना है, तो आप उसको जो है क्या अभिप्रेरित कर सकते हैं कि आप जाओ, हम आपको गाड़ी में आने जाने का और जो भी वहां पे आपका दिन भर में लंच पे खर्च होगा, चाय पे खर्च होगा, उसका पैसा भी हम देंगे। तो ये क्या हो गया, उसको अन्य भत्ते सुविधाएं दी आपने, तो वह भी प्रेरित हो जाएगा। आवश्यक ऋण देकर भी अभिप्रेरित, कोई व्यक्ति है उसको घर बनवाना है, उसको पैसों की जरूरत है, तो यदि ऐसे व्यक्ति को आप अपनी संस्था से ऋण दे देते हैं उसकी जरूरत के समय पर, तो वह व्यक्ति भी जो है क्या है, मोटिवेट हो जाएगा, अभिप्रेरित हो जाएगा और संस्था के लिए ईमानदारी से कार्य करेगा। सैलरी जो है टाइम पर दें, उससे भी जो है एम्प्लॉई सेटिस्फाइड रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। वेतन इंक्रीज कर दें, इंक्रीमेंट लगा दें, पेंशन की व्यवस्था कर दें, तो भी जो है एम्प्लॉई प्रभावित होता है। अनुचित कटौती ना करें, कोई एम्प्लॉई जो है वह छुट्टी पर चला गया है, किसी कारण से जो है उसकी 15 दिन की छुट्टी हो गई है, तो किसी भी प्रकार की अनावश्यक कटौती न करना भी जो है उसके लिए मोटिवेशन का पॉइंट है। और नॉन मॉनेटरी में कौन से आते हैं, नॉन मॉनेटरी में आते हैं कि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी परमानेंट जॉब हो, तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी अभी जॉब सुरक्षात्मक मतलब टेम्परेरी है,
वह अभी परमानेंट नहीं है, तो उसकी जॉब जो है आप यदि स्थायित्व में बदल देते हैं, परमानेंट जॉब दे देते हैं, तो वह मोटिवेट हो जाएगा, उसकी जॉब सेफ्टी हो गई है, तो वह काम को अच्छे से करेगा। प्रमोशन, सबसे बढ़िया प्रमोशन दे दीजिए उसका, जो है वृद्धि कर दीजिए उसकी, पोस्ट जो है बढ़ा दीजिए। प्रशंसा करना सबसे बढ़िया जो है हथियार है किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का। सभी संस्था के कर्मचारियों के सामने यदि आप किसी एम्प्लॉय की प्रशंसा कर देते हैं, तारीफ कर देते हैं, तो वह व्यक्ति जो है प्रसन्न रहता है, और प्रसन्न रहने के साथ साथ वह दूसरे दिन तीसरे दिन भी अपने कार्य को बहुत अच्छे से मन लगाकर करता है। सम्मान करना, संस्था के किसी प्रोग्राम में जो है ऐसे व्यक्तियों का सम्मान हम कर सकते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उससे भी मोटिवेशन। परामर्श, किसी व्यक्ति को संस्था की डिसीजन लेने में शामिल करना, उससे भी जो है वह व्यक्ति मोटिवेट होता है यदि उससे परामर्श लिया जाए। फिर जिम्मेदारी सौंपना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को देना भी जो है प्रमोशन मोटिवेट करने का एक तरीका है। तो यदि हम किसी कर्मचारी को जो इस जिम्मेदारी को अभी तक नहीं दिया है, नई प्रकार की जिम्मेदारी देकर हम उसको एहसास करा सकते हैं कि आप कैपेबल हो, योग्य हो, इस जिम्मेदारी को संभाल सकते हो, तो इस पॉइंट को समझकर भी व्यक्ति काम के प्रति ईमानदार और अभिप्रेरित होता है। मानवीय व्यवहार, हम सभी कर्मचारियों के प्रति उनकी समस्याओं को सुनना, समझना और उसके हिसाब से काम करना, यदि मानवीय व्यवहार के हिसाब से काम करें तो भी व्यक्ति जो है वह कर संस्था के प्रति जो है अभिप्रेरित रहता है और संस्था के उद्देश्यों के लिए ईमानदारी से कार्य करता है। फिर उसको फैसिलिटी दी जाए, जैसे गरीब बच्चे हैं तो स्कूल में पढ़ने की मेडिकल फैसिलिटी हुई या लोन वगैरह की फैसिलिटी जो है हम वो उपलब्ध करवा सकते हैं। फिर प्रबंध में श्रमिकों को भाग देना, मैनेजमेंट में जो है डिसीजन में तो शामिल कर ही रहे, इसके अलावा उनको प्रॉफिट परसेंटेज भी जो है शेयर करना, इससे भी कर्मचारी जो है वह मोटिवेट होता है। इसके अलावा जो है प्रकार में और होता है सकारात्मक मोटिवेशन, सकारात्मक पॉजिटिव, और एक होता है नेगेटिव नकारात्मक। पॉजिटिव मोटिवेशन, जब जो है किसी व्यक्ति को, किसी कर्मचारी को मोटिवेट करने के लिए पॉजिटिव गुण जैसे कि प्रशंसा करना, सम्मान करना, सैलरी बढ़ाना, जॉब सिक्योरिटी देना, पेंशन की व्यवस्था करना, सुविधाएं प्रदान करना, इस प्रकार के जिससे उसके जीवन स्तर में वृद्धि हो, उसके सेटिस्फेक्शन में वृद्धि हो, वह सभी प्रेरणाएं अभिप्रेरण क्या कहलाते हैं, सकारात्मक अभिप्रेरण कहलाता है। और नकारात्मक अभिप्रेरण, यह जो है काम कराने का दूसरा तरीका है, इसके अंतर्गत कर्मचारी को जो है डराया जाता है, धमकाया जाता है। बहुत से कर्मचारी ऐसे होते हैं जो आलसी होते हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं, ऐसे कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए जो है नकारात्मक मोटिवेशन का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत उन्हें धमकी दी जाती है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, आपकी सैलरी जो है वह काट ली जाएगी, आपको जो है सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा, आपको इस माह की सैलरी नहीं दी जाएगी। इस प्रकार जो है व्यक्ति को डराकर, धमकाकर, निगेटिव पॉइंट रखकर जो है उससे काम कराया जाता है। लेकिन यह संस्था के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन संस्था में जो कर्मचारी हैं उनकी योग्यता और उनके कार्य करने के तरीके के आधार पर कौन सा प्रकार यूज करना है वह संस्था प्रमुख डिसाइड करता है। कुछ कर्मचारियों के लिए संस्था प्रमुख जो है वह सकारात्मक मोटिवेशन यूज करता है, कुछ कर्मचारियों के लिए जो है संस्था प्रमुख क्या यूज करता है, निगेटिव मोटिवेशन जो है वह यूज करता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट, मोटिवेशन क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसको प्रभावित करने वाले तत्व या हम बोले प्रकार क्या होते हैं, तो आप आते हैं तो इस तरीके से इन पॉइंट्स के आधार पर इस क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम जो है मोटिवेशन का मीनिंग पढ़ चुके हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन होता है किसी से कार्य कराने की शक्ति, उसको इस तरीके से अभिप्रेरित किया जाए, प्रेरित किया जाए कि वह अपने कार्य को बहुत अच्छे से करे। तो इसी संबंध में बहुत से अलग अलग जो विद्वान हुए हैं, एक्सपर्ट हुए हैं, उन्होंने अपनी थ्योरीज दी है, उन्होंने अपने हिसाब से मोटिवेशन को डिफाइन किया है, सिद्धांत दिए हैं। तो वही बनते हैं अभिप्रेरण के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो सबसे पहले है
मैस्लो का आवश्यकता की क्रमबद्धता का सिद्धांत। तो मैस्लो जो है यहाँ पे नाम है, एक्सपर्ट जो है उन्होंने ये सिद्धांत दिया है। तो मैस्लो का आवश्यकता की क्रमबद्धता का सिद्धांत बहुत आईएमपी है और इसे अभिप्रेरण का आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं। आधुनिक सिद्धांत। तो आपको यदि एग्जाम में अभिप्रेरण का आधुनिक सिद्धांत करके क्वेश्चन आता है, या फिर मैस्लो का सिद्धांत समझाइए, या फिर आवश्यकता की क्रमबद्धता का सिद्धांत किसने दिया है उसको विस्तार में समझाइए, तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर जो है वह यह रहेंगे। ठीक है, तो मैस्लो ने क्या बताया है, आवश्यकता की क्रमबद्धता। हमारे जीवन की जो नेसेसिटीज होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, जरूरतें होती हैं, उस उन आवश्यकताओं को मैस्लो ने क्या किया है, क्रम दिया है। जैसे उन्होंने पांच वर्ग में बांटा है, 5 क्लासिफिकेशन किए हैं उन्होंने किसके, आवश्यकता के। पहला उनका कहना है कि आधारभूत जीवन निर्वाह की आवश्यकता। किसी भी व्यक्ति के जीवन में मैस्लो का यह मानना था कि 5 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं पूरे जीवन काल में। सबसे पहली आवश्यकता कौन सी होती है, आधारभूत जीवन की, जिसमें व्यक्ति रहना खाना, मतलब हम बोल सकते हैं जनरल लैंग्वेज में रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, ये जो है जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं हैं। तो मैस्लो का कहना है कि कोई व्यक्ति है, कोई कर्मचारी है, उसे आप अभिप्रेरित करना चाहते हैं तो उसकी आवश्यकताओं क्या पहले एनालिसिस कर लीजिए कि उसे कौन सी आवश्यकता की जरूरत है। तो आधारभूत जीवन निर्वाह की आवश्यकताएं, मतलब इसके अंतर्गत वो सभी आवश्यकताएं आती हैं जो कि आधारभूत जीवन से संबंधित है, जो खाने के लिए भोजन की व्यवस्था, रहने के लिए मकान और पहनने के लिए कपड़े, इस आवश्यकता के क्रम में आते हैं। तो यदि किसी कर्मचारी को आप मोटिवेट करना चाहते हैं तो मैस्लो के अकॉर्डिंग सबसे पहले उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं को जानिए। यदि उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हैं तो फिर आप सेकंड नंबर वाली आवश्यकता पर आइए। ठीक है, तो सेकंड नंबर वाली सुरक्षा, स्थायित्व व निश्चितता की आवश्यकताएं। हर कर्मचारी यह चाहता है कि उसका जॉब जो है वह सुरक्षित हो। यदि आप किसी कर्मचारी को अभिप्रेरित करना चाहते हैं तो उसके पास यदि खाने के लिए पर्याप्त भोजन है, रहने के लिए मकान है, तो उसे जो है अब अपना जॉब परमानेंट चाहिए। तो सुरक्षा, जॉब में सुरक्षा चाहिए कि उसे इस बात का डर ना हो कि उसे नौकरी से कब निकाल दिया जाएगा। स्थायित्व, जॉब जो है उसका परमानेंट हो जाए कि हाँ अब जॉब जो है मेरा परमानेंट है, मैं कितनी भी छुट्टी ले सकता हूँ, मैं जो है अब स्थायी हो गया हूँ। वह निश्चितता की आवश्यकता है, उसकी सैलरी जो है वह निश्चित हो जाए। तो मैस्लो ने पहले ही आवश्यकता बताई बेसिक नीड की। दूसरी उन्होंने बताया कि किसी भी कर्मचारी के लिए जॉब की सुरक्षा, नौकरी से न निकाले जाने का डर और जो वेतन मिलता है उसकी राशि की निश्चितता जो है वह आवश्यकता सेकंड नंबर पर आती है। तो यदि किसी व्यक्ति को अभिप्रेरित करना है और ये उसके पास आवश्यकता है तो आप इन आवश्यकताओं को पूरा करके किसी कर्मचारी को अभिप्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। सामाजिक आवश्यकताएं, हर व्यक्ति जो है समाज में रहता है, परिवार में रहता है, तो हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए संबंधों की आवश्यकता होती है, प्यार की आवश्यकता होती है, दोस्ती की आवश्यकता होती है। तो सामाजिक आवश्यकताओं के अंतर्गत चूंकि व्यक्ति समाज में रहता है तो उसे संतुष्टि, जीवन में संतुष्टि के लिए जो है दोस्ती, प्यार, इमोशंस को पूरा करने के लिए समाज की जरूरत होती है। तो यदि किसी व्यक्ति की ये दोनों आवश्यकताएं हैं, परमानेंट जॉब है, तो उसे संगठन का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वह इस प्रकार का हो कि वह उस संगठन को, उस बिजनेस को जो है अपने फैमिली माने और उसमें अपनी अपनेपन की भावना से कार्य को करे। तो सामाजिक आवश्यकताओं के अंतर्गत किस प्रकार की आवश्यकताएं आती हैं, जिसके अंतर्गत व्यक्ति समाज में रहता है तो समाज में उसको जो सम्मान की आवश्यकताएं होती हैं, दोस्ती, प्यार, भावनाएं,
उसका यदि ख्याल रखा जाए, उस तरह की आवश्यकताएं सामाजिक आवश्यकता में आती है। फिर है स्वाभिमान संबंधी आवश्यकताएं। यदि व्यक्ति अपने परिवार में भी संतुष्ट है, उसे जो है प्रॉपर सम्मान मिल रहा है, दोस्त भी हैं, फैमिली भी है, सब कुछ है, तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसे समाज में सम्मान मिले, कोई उसको माने, उसको जो है सम्मानित करे, उसकी चर्चा हो, प्रशंसा हो। तो स्वाभिमान संबंधी आवश्यकताएं, उसके फॉलोअर्स हों, उसको लोग जो है एज ए लीडर समझे। तो हर व्यक्ति जो है, हर कर्मचारी यह चाहता है कि उसकी बातों का सम्मान हो, समाज जो है उसे सम्मानित करे, व्यक्ति जो है उसके अंडर में काम करे और हर व्यक्ति जो उसकी सलाह पूछे, माने। तो यह होती है स्वाभिमान संबंधी आवश्यकताएं। देन फिर है आत्मविकास की आवश्यकता है। आत्मविकास की आवश्यकताओं के अंतर्गत क्या आता है कि व्यक्ति जो है वह फेमस भी हो गया है, उसे लोग मानते भी हैं, लेकिन एक बिंदु ऐसा आता है जब वह इन सब से बढ़कर यह चाहता है कि उसे शांति मिले। वह अपनी वैल्यूज पर, अपने खुद के बिहेवियरशिप पर ये चाहता है कि उसे जो है जीवन में शांति मिले। तो मैस्लो का यह कहना था कि हर व्यक्ति के पूरे जीवन काल में 5 प्रकार की आवश्यकताएं होती है। तो किस व्यक्ति के पास किस क्रम की आवश्यकता पूरी हो चुकी है, उसके अगले क्रम की आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कोई कर्मचारी है, उसके पास घर नहीं है और आप उसका पब्लिक में सम्मान कर रहे हैं, उसे शॉल और श्रीफल दे रहे हैं, तो उसके मन में क्या विचार आएगा कि बेटर है कि मुझे ये देने के बजाय मुझे रहने के लिए घर दे दे, क्योंकि वो यहीं पे असंतुष्ट है। तो मैस्लो ने व्यक्ति को अभिप्रेरित करने के लिए 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं, अलग अलग कैटेगरी की, और इन आवश्यकताओं को पूरा करके मैस्लो का कहना था कि किसी भी कर्मचारी को अभिप्रेरित काम करने के लिए जागरूक बनाया जा सकता था। तो मैस्लो ने अपने हिसाब से यह अभिप्रेरण को परिभाषित किया। ये बहुत IMP क्वेश्चन है, इसको अभिप्रेरण का आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे हर्ज़बर्ग का अभिप्रेरण सिद्धांत, आरोग्य सिद्धांत। हर्ज़बर्ग जो है व्यक्ति का नाम है, इन्होंने दिया है अभिप्रेरण को अपने हिसाब से डिफाइन किया। इनका क्या कहना था, अभिप्रेरण आरोग्य सिद्धांत। इन्होंने जो है व्यक्ति को अभिप्रेरित करने वाले जो घटक हैं, उनको 2 भागों में बांटा है। पहला है आरोग्य घटक और दूसरा है अभिप्रेरक घटक। आरोग्य घटक को उन्होंने डिफाइन किया है ऐसे घटक, ऐसे एलिमेंट जो कि व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं करते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति को यह नहीं मिले तो व्यक्ति क्या हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है। और अभिप्रेरक घटक ये जो है व्यक्ति की इच्छा को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं और इन घटकों को पूरा करने पर व्यक्ति काम के प्रति जागरूक होता है और काम को बहुत लगन से करता है। क्लियर। आरोग्य घटक में कौन से आएंगे, जो व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं करते हैं, लेकिन यदि ये घटक व्यक्ति को न मिले, ये एलिमेंट यदि पूरे न हो, तो व्यक्ति क्या होता है, असंतुष्ट होता है और काम को चिड़चिड़ाकर तनाव भरी स्थिति में जो है काम को पूरा करता है और आलसी करता है, काम को पूरा करने की उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। और ये कौन से तत्व है जिनसे व्यक्ति अभिप्रेरित होता है और कार्य को बहुत अच्छे से करता है, तो इसमें जो है हर्ज़बर्ग ने डाले हैं मजदूरी, सैलरी, वेतन जो मिलता है उसके कारण व्यक्ति जो है यदि प्रॉपर समय पर वेतन नहीं मिले और सही राशि न मिले तो व्यक्ति क्या होता है, असंतुष्ट होता है। कार्यदशाएं, काम करने का जो इन्वायरमेंट है वहां पर प्रॉपर जो है सुविधाएं नहीं है तो व्यक्ति क्या होता है, असंतुष्ट होता है। पर्यवेक्षण, सुपरविजन, बहुत ज्यादा चेकिंग हो रही है तो व्यक्ति असंतुष्ट होगा। कार्य की सुरक्षा, जो कार्य यदि इस प्रकार का है कि सुरक्षा की जरूरत है, वहां पे सुरक्षा, जो कार्य है इस प्रकार का है कि वहां पर सुरक्षा उपकरण की जरूरत है, और दूसरा जॉब जो है वो परमानेंट नेचर का नहीं है, अस्थाई वाला है, तो इसके कारण भी व्यक्ति जो है डरा हुआ रहता है, काम को करना पसंद नहीं करता है। नीति व प्रशासन, संगठन की, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज क्या है, यदि फ्लेक्सिबल नहीं है तो व्यक्ति, जैसे छुट्टियों के मामले में बहुत कम छुट्टियां दी जाती है, जब नहीं आता है एम्प्लॉई तो उसकी छुट्टियों के पैसे काट लिए जाते हैं, तो क्या होगा, व्यक्ति
असंतुष्ट होगा। ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन वह काम तो करेगा लेकिन वह सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। फिर संगठन में स्थिति, ऑर्गेनाइजेशन में उसकी पोजीशन क्या है, तो ये सब फैक्टर्स ऐसे हैं जो व्यक्ति को मोटिवेट नहीं करते, लेकिन नहीं मिले तो डिससेटिस्फाइड रहता है व्यक्ति। देन फिर मोटिवेशनल फैक्टर, अभिप्रेरक तत्व में जिसको यदि पूरा किया जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तो व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, जैसे उपलब्धि, उत्तरदायित्व, उन्नति, प्रमोशन दिया जाए, उत्तरदायित्व उसको और ज्यादा जिम्मेदारियां दी जाए, उसको इस बात का एहसास कराया जाए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉई हो और ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता है, तो वो मोटिवेट होगा। मान्यता, एप्रिशिएशन, यदि व्यक्ति ने कोई कार्य किया है तो उसको जो है सभी लोग माने, एप्रिशिएट करें। विकास के अवसर, यदि जो है उसे प्रमोशन के चांसेस दिए जाएं, उसको इस तरह की चीजें बताई जाएं कि आपको जो है अब यहाँ प्रमोशन के लिए टेस्ट किया जा रहा है तो वो अपने काम को बहुत अच्छे से करेगा। उसे ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाए, उसे इस प्रकार के टारगेट्स दिए जाए कि इसको इतने दिन में कंप्लीट करना है, तो इससे क्या होगा, व्यक्ति डायरेक्ट मोटिवेट होगा। तो हस्बैंड ने जो है अभिप्रेरण को इन दो भागों में बांटकर बताया है कि अभिप्रेरण करना है तो ये दो फैक्टर्स होते हैं, लेकिन यह भी सुटेबल नहीं है क्योंकि कौन से तत्व जो है वो आरोग्य घटक में आएंगे, कौन से एलिमेंट्स जो है वो अभिप्रेरक तत्व में आएंगे, यह डिफाइन नहीं है, इसका क्षेत्र जो है बहुत सीमित है। इसके बाद आते हैं हम मैकग्रेगर का XY सिद्धांत। मैकग्रेगर का XY सिद्धांत क्या बोल रहा है, तो मैकग्रेगर जो है व्यक्ति का नाम है, एक्सपर्ट का नाम है, इन्होंने एक्स और वाई सिद्धांत बताया। एक्स का सिद्धांत जो है वो परंपरागत सिद्धांत है, पहले जो है देश में जिस प्रकार से काम करवाया जाता था, पहले किस तरीके का काम होता था, कर्मचारी को कर्मचारी ही माना जाता था, सिर्फ उसे आदेश दिया जाता था। इसके अंतर्गत यह माना जाता था कि व्यक्ति जो है वह काम नहीं करना चाहता है, व्यक्ति आलसी होता है, व्यक्ति को से काम करवाना है तो कठोरता ही रखनी पड़ेगी और उसे आदेशात्मक तरीके से ही करवाया जा सकता है। ये एक्स सिद्धांत का प्रिंसिपल है और वाई प्रिंसिपल क्या है, जस्ट इसके अपोजिट, जो वर्तमान में ध्यान रखा जाता है। क्या है वाई सिद्धांत, वाई सिद्धांत आशावादी है। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि हर व्यक्ति काम को करना चाहता है और वह चाहता है कि उसका जो है कार्य सभी लोग सराहें, प्रशंसा करें और कार्य जो है उसके बदले में उसे जो है प्रमोशन भी मिले और लोग जो है उसकी तारीफ करें, तो यह जो है आशावादी सिद्धांत है। एक्स फैक्टर जो है इसकी क्या मान्यताएं हैं एक्स सिद्धांत की, कि व्यक्ति जो है काम नहीं करना चाहता है, जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, एक्स सिद्धांत निराशावादी मान्यता पर आधारित है, यह परंपरागत है, जिसके अंतर्गत यह माना जाता है कि कर्मचारी किसी भी कार्य को करना नहीं चाहता है, वह आलसी होता है, वह अपने कार्य को पसंद नहीं करता है, तो इसीलिए कार्य करवाने के लिए व्यक्तियों को डराया, धमकाया और उस पर आदेशात्मक प्रकृति से ही कार्य करवाया जा सकता है। ठीक है, तो यह निराशावादी होता है। एकांगी मतलब एक ही व्यक्ति उसमें मालिक होता है, वह अपने कर्मचारी की बिल्कुल नहीं सुनता है और कठोरता से उस पर नियम जो है वह लगाए जाते हैं। अमानवीय होता है, अमानवीय होता है मतलब इसमें जो है व्यक्ति की व्यक्ति की जो भावनाएं हैं उसका ध्यान नहीं रखा जाता है, उसके साथ जो है कठोरता का व्यवहार किया जाता है, तो इस प्रकार से आप इसकी मान्यता बनाकर लिख सकते हैं इसको समझाने के लिए। अब वाई सिद्धांत, वाई सिद्धांत जो है एक्स सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत होता है, जिसमें आशावादी मान्यता पर आधारित होता है, इसमें कर्मचारी को जो है मानवीयता के आधार पर सहयोग की भावना से कार्य किया जाता है और इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि हर व्यक्ति काम करना चाहता है और काम कोई सा भी अरुचिकर या नापसंद का नहीं होता है, बस व्यक्ति को जो है अभिप्रेरित करने के लिए उसे प्रॉपर सैलरी दी जाए, सही समय पर सैलरी दी जाए, सम्मान किया जाए, प्रमोशन दिया जाए और उसे निर्णय लेने में यदि सहयोगी बनाया जाए
तो हर कर्मचारी जो है अपने संस्था के प्रति डिवोटेड रहता है और कार्य को बहुत अच्छे से करता है। तो ये है मैकग्रेगर का एक्स और वाई सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रूम का प्रत्याशा सिद्धांत। ब्रूम जो है वह एक्सपर्ट का नाम है, उसका प्रत्याशा सिद्धांत। मिस्टर ब्रूम ने जो है क्या कहा था अभिप्रेरण के बारे में, उन्होंने फॉर्मूला दिया कि अभिप्रेरण इज इक्वल टू होता है शक्ति इंटू प्रत्याशा। शक्ति किसी भी शक्ति, तो जब आप इसको डिफाइन करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, पहले शक्ति क्या होता है वो लिखेंगे, प्रत्याशा क्या होती है वो लिखेंगे, और उसके बाद अभिप्रेरण क्या होता है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। तो शक्ति, शक्ति मीन्स ब्रूम का कहना था कि हर व्यक्ति में कार्य को करने की इच्छा होती है, लेकिन उसके पास कार्य को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उस कार्य को करने के लिए कौन सा तरीका बेस्ट है वह उसे यदि सही तरीके से बताया जाए तो हर व्यक्ति कार्य को करना चाहता है, उस पर किसी भी प्रकार की कठोरता की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्याशा मीन्स आशा। देखिए ब्रूम का क्या कहना था कि हर व्यक्ति कार्य करना चाहता है, आशा, और हर व्यक्ति कार्य क्यों करना चाहता है, क्योंकि उसे भविष्य में पदोन्नति की आशा है, उसे भविष्य में अपने जॉब के स्थायित्व की आशा है, उसे भविष्य में सैलरी बढ़ने की आशा है, प्रत्याशा है। तो उनका कहना था कि यदि कोई व्यक्ति कार्य को करना चाहता है, उसकी इच्छा है, और उस कार्य में उसे दिख रहा है कि भविष्य, जैसे हम समझ सकते हैं उदाहरण से कि एक मजदूर है और वो एक फैक्ट्री में पिछले 10 सालों से काम कर रहा है, ठीक है, काम कर रहा है, अब 10 सालों का उसका अनुभव रहा है कि उसकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, तो आप बताइए वहां पर व्यक्ति कार्य तो कर रहा है लेकिन उसकी प्रत्याशा क्या है, जीरो है, तो वो कार्य को अच्छे से करेगा क्या, बिल्कुल अच्छे से नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास प्रत्याशा नहीं है। तो ब्रूम का ये कहना था कि वही व्यक्ति अभिप्रेरित होगा जिसको भविष्य में उन्नति की आशा है। तो इस प्रकार से उन्होंने फॉर्मूला बनाया कि कार्य को करने की इच्छा हर व्यक्ति में होती है, हर व्यक्ति काम करना चाहता है, लेकिन यदि उसमें हम भविष्य में उन्नति की आशा को जोड़ दें, भविष्य में प्रगति की आशा को यदि मल्टीप्लाई कर दें, तो व्यक्ति क्या होगा, अभिप्रेरित हो जाएगा। ठीक है, फिर है डेविड मैक्लेलैंड की उपलब्धि विचारधारा। डेविड मैक्लेलैंड जो है वह व्यक्ति का नाम है, एक्सपर्ट का नाम है, और उपलब्धि विचारधारा, इनके सिद्धांत का एक और नाम है अर्जित आवश्यकता विचारधारा। अर्जित आवश्यकता विचारधारा, तो ये नाम से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, या फिर मैक्लेलैंड का अभिप्रेरण का सिद्धांत समझाइए, या उपलब्धि विचारधारा किस व्यक्ति ने दी है उसको समझाइए। तो उपलब्धि विचारधारा, इन्होंने जो है आवश्यकता को जैसे मैस्लो ने 5 भागों में बांटा, इनका जो कहना था मैक्लेलैंड ने अभिप्रेरण को अपने हिसाब से क्या परिभाषित किया कि व्यक्ति जो है क्या चाहता है, उपलब्धि की आवश्यकता रहती है उसे, शक्ति की आवश्यकता रहती है, और संबंध की आवश्यकता रहती है। इन्हीं 5 को उन्होंने 3 भागों में कर दिया। क्या है उपलब्धि, मतलब हर व्यक्ति चाहता है कि जो काम वो कर रहा है उसमें उसे सफलता प्राप्त हो, जो भी काम कर रहा है उसमें उसे सक्सेस प्राप्त हो, तो ये उपलब्धि की आवश्यकता। फिर शक्ति की आवश्यकता, मैक्लेलैंड के अकॉर्डिंग उनका ये कहना था कि हर व्यक्ति जो है जब सफल व्यक्ति बन जाता है और वह फेमस हो जाता है, तो हर व्यक्ति यह चाहता है कि वह उसे पावर मिले, वह नेतृत्व करे, और लोग जो है उससे सलाह लेने आए, लोग जो है उसका अनुसरण करें, और वह चाहता है कि एक पावरफुल व्यक्ति के रूप में समाज में स्थापित हो। तो शक्ति चाहता है हर व्यक्ति, क्या चाहता है, शक्ति चाहता है, पावर चाहता है। और संबंध की आवश्यकता जो हमारी यहाँ पर थी, स्वाभिमान और सामाजिक आवश्यकताएं, हर व्यक्ति समाज में रहता है तो उसे जो है रिलेशन, मतलब दोस्ती का रिलेशन, प्यार का रिलेशन, और माता पिता, मतलब संबंध जो है उसे समाज में रहने के लिए, और जहां शक्ति मिल जाएगी तो उसे संबंधों की भी आवश्यकता
होती है। तो मैकलेलैंड ने अभिप्रेरण के लिए ये तीन प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं। तो किसी भी कर्मचारी को अभिप्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इन तीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य को करवाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही जो है एल्डरफर्ड, फर की ई आर जी विचारधारा, एल्डरफर्ड ये एक्सपर्ट है, इन्होंने जो है अभिप्रेरण को अपने हिसाब से परिभाषित किया है, ई आर जी अस्तित्व की आवश्यकता है। इन्हीं आवश्यकताओं को इन्होंने अपने हिसाब से केवल तीन भागों में बांटा है, अस्तित्व, हर व्यक्ति क्या चाहता है, अस्तित्व किससे बना रहेगा उसका, खाने के लिए भोजन हो, रहने के लिए मकान हो, कपड़ा हो और जॉब जो है उसका परमानेंट हो, तो ये उससे उसका अस्तित्व जो है वो बना रहेगा। तो पहली है अस्तित्व की आवश्यकताएं, दूसरी है संबंधता, मतलब वही रिलेशन वाली, हर व्यक्ति समाज का ही हिस्सा है तो वह चाहता है उसके संबंध रिलेशन जो है सुदृढ़ हो, जब वह चाहे उन संबंधों का उसके पास मौजूद रहे, तो संबंधता की आवश्यकता, और वर्धन मतलब प्रमोशन, ठीक है, ग्रोथ, जी फॉर ग्रोथ, तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसका समाज में एक स्थान बने, प्रमोशन हो। तो मेन जो है मैस्लो की आवश्यकता सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पे जो है मैकलेलैंड और ईआरजी ने अपनी जो है विचारधारा रखी है। तो स्टूडेंट ये है मोटिवेशन के प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, तो आपको इनमें से कोई एक इंडिविजुअल भी आ सकती है जिसमें ये तीन जो है इम्पोर्टेंट हैं, और या फिर आपको आ सकता है कि अभिप्रेरण की थ्योरीज को एक्सप्लेन कीजिए। तो आप इस तरीके से जो है जो भी आंसर आता है आप इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको फ्रेम होकर आता है आप आंसर जो है इसमें से लिख सकते हैं। अभी हमने देखा कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन के प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं। अब जो है इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है हमारा एटीट्यूड, मनोवृत्ति। हम डेली रूटीन में बहुत बार एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं कि एटीट्यूड, इसका एटीट्यूड ऐसा है, लेकिन एटीट्यूड क्या होता है, मनोवृत्ति क्या होती है, यदि हम उसकी परिभाषा लिखना चाहेंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे। तो मनोवृत्ति किसी भी व्यक्ति की, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में पसंदगी नापसंदगी की जो मानसिकता होती है वह उस व्यक्ति की मनोवृत्ति होती है। ठीक है, पसंदगी और नापसंदगी जो है घटना की अनुकूलता, पसंद आना नहीं आना, उसके हिसाब से किसी व्यक्ति का एटीट्यूड बनता है। तो मनोवृत्ति, ठीक है, यह सकारात्मक भी हो सकती है, किसी का एटीट्यूड जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, या फिक्स भी हो सकता है, तटस्थ भी हो सकता है। तो अब हमको मनोवृत्ति के बारे में लिखना है, तो स्टूडेंट आप किस तरीके से लिखेंगे। तो मनोवृत्ति किसी भी व्यक्ति के संबंध में, घटना के संबंध में या परिस्थिति के संबंध में पसंदगी या नापसंदगी की मानसिकता को मनोवृत्ति कहा जाता है। यह किसी भी व्यक्ति की सोच पर आधारित होती है, यह व्यक्ति के सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक जीवन की जो घटनाएं होती हैं उनसे प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये मनोवृत्ति होता है। अब निर्धारक घटक, मनोवृत्ति या किसी का एटीट्यूड जो है कैसे प्रभावित होता है या बदल सकता है या बनता है। तो पहला जैसे है भावनात्मक घटक, भावनाएं, व्यक्ति के अंतर्गत जो है जन्मजात भावनाएं होती हैं, गुस्से की भावना या परिस्थितियों के कारण जो उसके मन में भावनाएं उत्पन्न होती हैं, कभी व्यक्ति जो है नाराज होता है, कभी जो है खुश रहता है, कभी संतुष्ट रहता है, कभी तो हर व्यक्ति जो है उसका व्यवहार, उसकी भावनाएं जो है परिस्थिति के अनुसार क्या होती है, बदलती रहती हैं। तो भावनाओं के कारण जब व्यक्ति के एटीट्यूड में, मनोवृत्ति में परिवर्तन आता है तो वहां हम कहते हैं कि भावनात्मक घटक के कारण व्यक्ति की मनोवृत्ति बदली है। व्यवहारात्मक घटक, व्यक्ति का व्यवहार, उसके कारण भी व्यक्ति की मनोवृत्ति परिवर्तित होती है। व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसका एटीट्यूड, उसका जो बिहेवियरशिप है दूसरों के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति,
उस बिहेवियर शिफ्ट के कारण, व्यवहार के कारण भी उसका एटीट्यूड जो है वह परिवर्तित होता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है शांत है, बहुत गंभीर है, उस गंभीरता के साथ जो है डिसीजन लेता है, किसी से झगड़ा नहीं करता है, गुस्सा नहीं करता है, तो उसका एटीट्यूड कैसा माना जाएगा? पीसफुली और पॉजिटिव माना जाएगा, सकारात्मक माना जाएगा। आर्थिक घटक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी का भी एटीट्यूड। तो आर्थिक घटक मतलब पैसों की व्यवस्था। यदि किसी व्यक्ति के पास जो है आर्थिक समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसका एटीट्यूड कैसा रहेगा? हम समझ सकते हैं कि उसका एटीट्यूड चिड़चिड़ा। यदि उसके पास परिवार की जिम्मेदारी है, तो जब आप उससे बात करेंगे तो उसका एटीट्यूड कैसा रहेगा? चिड़चिड़ा रहेगा, क्योंकि उसे टेंशन है, उसके पास जो है बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो आर्थिक घटक के कारण भी व्यक्ति का एटीट्यूड जो है वह परिवर्तित होता है। फिर संबंध घटक, रिलेशंस। जहां भी बात मनोवैज्ञानिक आएगी, मानसिकता की आएगी, वहां रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि व्यक्ति का जो है परिवार के साथ, समाज के साथ, अपने दोस्तों के साथ रिलेशन, संबंध कैसे हैं। क्योंकि बिना संबंधों के व्यक्ति जीता नहीं है, समाज में रहता है, तो बहुत सारे प्रकार के रिलेशंस रहते हैं। तो उन परिवार के संबंधों से वह क्या सीख रहा है, उसने अपने आसपास के जो संबंध है, रिलेशन है, उससे किस प्रकार की भावनाएं जो है सीखी हैं, तो उसके कारण भी उसका एटीट्यूड जो है, उसकी मनोवृत्ति जो है, सोच जो है दूसरों के प्रति, वह परिवर्तित होती है। फिर है संगठनात्मक घटक, ऑर्गेनाइजेशन। संगठनात्मक घटक, व्यक्ति जो है हमेशा समूह में रहता है। समूह औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब दोस्तों के साथ रह रहा है, फैमिली में जो है अपने कजिन्स के साथ रह रहा है। औपचारिक संगठन मतलब जहां वो काम कर रहा है, यदि वो पढ़ने जा रहा है, तो इस तरीके से समूह का भी बहुत, यदि उसका ग्रुप जो है ऐसे लोगों का है जो अच्छा सोचते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो उसका एटीट्यूड कैसा रहेगा? डिफरेंट रहेगा। यदि उसका ग्रुप जो है गलत काम करने वालों के साथ है, उसकी ग्रुपिंग वहां उनके साथ उठना बैठना है, तो वहां पर क्या असर होगा कि उसका एटीट्यूड, उसकी मनोवृत्ति, उसकी सोच भी जो है उस नकारात्मक पक्ष की तरफ रहेगी। फिर है संज्ञानात्मक घटक। संज्ञानात्मक घटक मतलब जानने। हमने परसेप्शन पढ़ा था, अवबोध पढ़ा था, तो व्यक्ति को जानने के संबंध में जो है उससे रिलेटेड है। तो व्यक्ति जो है सामने वाले व्यक्ति को कितनी जानने की समझ रखता है, सामने वाले व्यक्ति के भावों को पढ़ने की समझ रखता है, उसके कारण भी उसका एटीट्यूड जो है वह परिवर्तित। यदि कोई व्यक्ति जो है दूसरे को जानने की बहुत अच्छी कैपेसिटी रखता है, तो उसका एटीट्यूड क्या रहेगा? हमेशा सकारात्मक रहेगा। राजनीतिक घटक, नेचुरली जो लोग पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं, तो उनकी संबंधित पार्टी जिस प्रकार के बातें रखती हैं, जिस प्रकार के मुद्दे रखती हैं, उसके कारण उस व्यक्ति की मनोवृत्ति जो है वह परिवर्तित होती है। सामाजिक घटक, समाज की तरफ से भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, परंपराएं चली आ रही हैं, एक व्यक्तिगत समाज की बात करें हम, तो समाज की चलने वाली परंपराओं के कारण भी व्यक्ति का एटीट्यूड, मनोवृत्ति जो है वह परिवर्तित होती है। और आज के समय में हम बात करें संचार माध्यम, न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं, मोबाइल फोन जो है उनको देखकर, उनमें पढ़ने, उनमें आने वाले विचारों को समझकर, पढ़कर भी व्यक्ति की मनोवृत्ति जो है समय के हिसाब से परिवर्तित होती है। तो यदि आपको मनोवृत्ति और उसके निर्धारक घटक है, तो आप ये घटक जो है एक्सप्लेन करिए। फिर हम बात करें कि एटीट्यूड के सिद्धांत क्या होते हैं, इसके प्रिंसिपल या थ्योरीज, ठीक है। तो यहाँ सिद्धांत जो है, तीन प्रकार के सिद्धांत है, ज्ञान अनुकूलन सिद्धांत, कार्यात्मक सिद्धांत और सामाजिक निर्णय का सिद्धांत। ज्ञान अनुकूलन सिद्धांत, हम बात कर रहे हैं मनोवृत्ति की, जो कि समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती है। जैसे हम उदाहरण के लिए समझें कि एक व्यक्ति है, उसके बारे में दूसरे व्यक्ति की सोच जो है वो सही नहीं है। वह दूसरा व्यक्ति सोचता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसने अपना एटीट्यूड, अपनी मनोवृत्ति इस प्रकार की बना ली है। अब एक तीसरा व्यक्ति जो है उसको आकर समझाता है कि नहीं, तुम जो सोचते हो वो गलत है, वह व्यक्ति ऐसा नहीं है, उस दिन इस घटना के कारण उसने ऐसा व्यवहार तुम्हारे साथ कर दिया था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक व्यक्ति की मनोवृत्ति जो है स्थायी थी, लेकिन तीसरा व्यक्ति आया
उसने उसको समझाया, तर्क दिए, तो उस व्यक्ति की मनोवृत्ति एटीट्यूड जो है उस व्यक्ति को लेकर बदल गया। तो ज्ञान अनुकूलन सिद्धांत भी जो है इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें संतुलन का सिद्धांत जो है रीडर ने दिया हुआ है। इनका कहना था कि व्यक्ति की मनोवृत्ति जो है वह जब भी असंतुलित होती है, इट मींस किसी व्यक्ति के प्रति हमारी मनोवृत्ति या फिर किसी परिस्थिति के प्रति हमारी मनोवृत्ति जो है असंतुलित होती है, तो जब भी उसमें ज्ञान शामिल होता है, मतलब कहीं से कोई तर्क किसी व्यक्ति के द्वारा दे दिया जाता है, तो जो है वह संतुलन हो जाती है, मतलब फिर से हमारी मनोवृत्ति जो है वह चेंज हो जाती है और हमारी मनोवृत्ति में, हमारे एटीट्यूड में, हमारे मन की सोच में जो है क्या होता है, संतुलन बन जाता है। अनुरूपता का सिद्धांत, तो अनुरूपता ये भी इससे मिलता ही जुलता है कि इसके अंतर ये जो सिद्धांत है आसगुड व टेनेनबॉम ने दिया था, इनका ये कहना था कि व्यक्ति जो है परिस्थितियों के अनुसार और दूसरे व्यक्ति की सोच के आधार पर अपनी जो सोच है, अपनी जो मनोवृत्ति है, उसमें संतुलन स्थापित कर लेता है और परिस्थितियों के अनुरूप जो है वह परिवर्तित होता जाता है और जीवन में आगे बढ़ता जाता है। तो इसमें जो है मनोवृत्ति क्या हो जाती है, परिस्थितियों, व्यक्तियों और सोच के अनुरूप हो जाती है, अनुकूल हो जाती है। फिर अवनात्मक अनुकूलम सिद्धांत, यह सिद्धांत भी इसी बात पर जोर देता है कि व्यक्ति की मनोवृत्ति जो है व्यक्ति की पसंद और नापसंद पर आधारित होती है। अब व्यक्ति की पसंद जो है कैसे बनती है, तो उसके पुराने अनुभवों के आधार पर उसकी पसंद बनती है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति जो है उसे नापसंद होता है, ये उसने अपनी मनोवृत्ति एटीट्यूड बनाकर रखा है। तो अवनात्मक अनुकूलन सिद्धांत जो है क्या कहता है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति जो है, यदि किसी जो व्यक्ति ऐसी मनोवृत्ति रखता है, एटीट्यूड रखता है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति उसे पसंद नहीं है, अब यदि सामने उसके कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तो उसकी मनोवृत्ति क्या होगी, उसका एटीट्यूड क्या होगा कि वह उस व्यक्ति को नापसंद करेगा। लेकिन यदि यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति आकर या परिस्थितियों के संबंध परिस्थितियां इस प्रकार की बने कि उसको पता लगे कि सामने वाले व्यक्ति ने क्यों झूठ बोला है और वो चीज उसे क्लियर हो जाए कि हाँ सही किया उस समय उस व्यक्ति ने झूठ बोला, तो क्या होगा, अब यहाँ पर जो व्यक्ति यह सोचता आ रहा था कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति गलत है, उसकी एटीट्यूड थी, तो उसका यहाँ पर क्या होगा, एटीट्यूड परिवर्तित होगा, मनोवृत्ति चेंज होगी। तो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जब मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है और तर्कों के आधार पर जब किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है, तो वही सिद्धांत जो है रोजनबर्ग ने अवनात्मक अनुकूलन सिद्धांत में दिया है। डिसोनेंस सिद्धांत, डिसोनेंस सिद्धांत जो है यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि व्यक्ति की मनोवृत्ति में असंतुलन परिस्थितियों के कारण हमेशा बना रहता है, उसकी सोच को हम स्थायित्व तौर पर नहीं मान सकते हैं, परिस्थितियों के कारण जो है व्यक्ति की मनोवृत्ति में एटीट्यूड में परिवर्तन संभव है। फिर अगला कार्यात्मक सिद्धांत, फंक्शनल थ्योरी, जो कि लिकॉर्ड्स ने दी थी। इस सिद्धांत के अनुरूप जो है मनोवृत्ति जो है वह व्यक्ति के व्यवहार और जो वह कार्य कर रहा है बचपन से लेकर अभी तक, उस कार्य के अनुभव के आधार पर किसी भी व्यक्ति का एटीट्यूड डिपेंड करता है, मनोवृत्ति डिपेंड करती है। जैसे कोई व्यक्ति जो है वह रोज कमाता है, रोज खाता है, और एक व्यक्ति जो है वह वेल सेटल्ड है, उसको हर महीने की सैलरी, वो जॉब पर नहीं भी जाए तो उसे घर बैठे मिलती है, तो इन दोनों व्यक्तियों की मनोवृत्ति में डिफरेंस आएगा। कार्य के कारण, कार्यात्मक जो कार्य की परिस्थितियां हैं, जो वर्क एनवायरमेंट है, जो उनकी जॉब सेफ्टी है, उसके कारण उनके एटीट्यूड में परिवर्तन आएगा, सोच में अंतर रहेगा। तो ये क्या है, कार्यात्मक सिद्धांत है। फिर सामाजिक निर्णय का सिद्धांत, ये जो है विचार शेरिफ व होमलैंड का था। इन्होंने इस सिद्धांत के अंतर्गत, उनका कहना था कि मनोवृत्ति जो होती है, एटीट्यूड जो होता है, व्यक्ति का सामाजिक निर्णय होता है। इन्होंने अपने हिसाब से एटीट्यूड को डिफाइन किया कि मनोवृत्ति एटीट्यूड जो रहती है, चूंकि व्यक्ति
व्यक्ति से संबंधित है और व्यक्ति की भावना से संबंधित है, उसकी सोच से संबंधित है। और व्यक्ति की सोच जो है कहाँ परिवर्तित होती है, वो परिवार में रहता है, वो समाज में रहता है और अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों से जो है संबंध रखता है, तो उन संबंधों के कारण उसकी मनोवृत्ति में, उसके एटीट्यूड में जो है वह परिवर्तन आता है और चेंजेस आते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट, ये जो है आपका एटीट्यूड, मनोवृत्ति क्या होती है और मनोवृत्ति के निर्धारक घटक और सिद्धांत जो है वह क्या होते हैं। तो यहाँ पर खत्म होती है हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, संगठनात्मक व्यवहार की यूनिट 3।